किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने बुलंदशहर डीएम ऑफिस के मुख्य गेट को 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। यूनियन नेताओं का कहना है कि जिला प्रशासन किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसकी वजह से किसानों की मूलभूत समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना यहाँ चल रहा है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ काफी संख्या में जो किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो आए हुए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट उनसे वार्ता कर रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर मौजूद हैं और हमारे साथ में यहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, हम जानेंगे, इनसे बात करेंगे। जो ये आज धरना इनका चल रहा है, इसका क्या पर्पज है? कैप्टन यशवीर सिंह, कारगिल युद्ध विजेता, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। हमारी मांगे हैं, जो किसान के ऊपर 4 गुना इन्होंने बिजली का बिल थोप दिया है और जो किसान के फसल में इन्होंने घुमंतू पशु, आवारा पशु छोड़ दिए हैं और जो किसान का जो फसल है, जो किसान का गन्ना है, उसका ये पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं। जब गौशाला नाम के लिए गौशाला नाम के लिए बनाई जा रही है, कुछ भी नहीं है ना उसमें कोई खाने का प्रबंध है, ना कोई रोकने का है, ना कोई शेड है, और वो दिन में उसको दिखा देते हैं, रात को उनको भगा देते हैं और वो रात को जाके किसान के खेतों में जाके वो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। तो हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो आपने साफ तौर पर देखा कि जो भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ जिला मुख्यालय पर, जो मुख्य द्वार है, यहाँ पर पूरी तरह से कब्जा जमाए हुए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट के साथ फिलहाल वार्ता हो रही है। वहीं इनका साफ तौर पर कहना है कि जो इनकी मूलभूत समस्याएं हैं उनकी तरफ प्रशासन कतई भी ध्यान नहीं दे रहा है। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी बुलंदशहर।